लगती है, कई बार एक्सीडेंट होता है, तो क्या कार चलाना छोड़ दे? सीख रहा है तो कई बार गिरेगा, कई बार चढ़ेगा, कई बार बहुत अच्छे अच्छे ड्राइवर से भी एक्सीडेंट हो जाता है। आप तो बहुत अच्छा ड्राइवर रखते हो, या कभी खुद से भी हो जाता है। हमने देखा है, हमारे पास एक आते थे, इतनी 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता था। मैं तो अपने शहर में 1 घंटे में, और लोग 1.5 घंटे में पहुंचते, मैं 1 घंटे में पहुंच जाता हूँ। तो उसी से ही इतना भारी एक्सीडेंट हुआ, अपनी पत्नी पास में बैठी थी, वही मर गई। बच्चे पीछे बैठे थे, उनको भी चोटें लगी, खुद भी पूरा 1 हफ्ता हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था। तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि उसने फिर कार चलाना ही छोड़ दी। इतना बड़ा नुकसान हुआ, जैसे एक तरह से घर से एक व्यक्ति ही चला गया। तो मन हिम्मत हार सकता है कि मेरे से इतना बड़ा नुकसान हो गया, मेरी पत्नी की डेथ हो गई, बच्चों का ऐसा हो गया। ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं आपको, लेकिन अभी भी वो चलाता है गाड़ी। हमने बोला, अब आपने छोड़ नहीं दी गाड़ी? कहते हैं, गाड़ी कैसे छोड़ देंगे चलाना, गाड़ी तो चलाते ही रहते हैं। तो और सावधान हो गए, अभी नहीं होता एक्सीडेंट। अभी सोचता है भाई, थोड़ा अंधेरा होने से पहले ही निकल जाए। उसमें थोड़ा धुंधलापन आ गया था, तो एक खड़ी ट्रक से भिड़ गया था। उसने समझा चल रही है और भिड़ गया। तो कितने अच्छे से अच्छे व्यक्ति से भी गलती हो सकती है, एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है। पर एक्सीडेंट हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम वो काम ही छोड़ दें। काम तो करते ही रहना है। हम लोग खाना बनाना सीखते थे, कई बार जल जाता था। तो जल गया तो क्या आगे से बनाएंगे? नहीं, एक रोटी जल गई तो 4 रोटी फिर अच्छी भी तो बनी, खाने के लिए तो बनानी पड़ेगी। एक बार सब्जी जली तो दूसरी बार खड़े हो गए, एक बार दूध बह गया तो दूसरी बार सिम पे रखना सीख गए। तो गलती का पता चला, उसके बाद सावधान भी हो गए। तो ऐसा नहीं है कि जीवन में आप आगे बढ़े हो तो एकदम ही बढ़ जाए, एकदम ही दादा जैसे हो जाए, एकदम ही गीता। वो भी कई बार गिरे होंगे, ऐसा तो नहीं है। अब एक एक बात उन्होंने लिख दी कि हाँ इतनी बार हम गिरे या इतनी बार हम चढ़े, नहीं लिखा। अब याद तो हम लोग उनकी चढ़ी हुई बातें ही करेंगे। जीवन में कितनी बार जो भी सक्सेस जिन्होंने भी प्राप्त की, तो अगर उनसे अकेले में आप पूछिए तो आप क्या कभी फेल नहीं हुए, तो आपको बताएंगे। जो सच्चा व्यक्ति है वो आपको बताएगा कि हाँ मेरे से भी ऐसी गलती हुई। ऐसे दादाजी से कभी बैठ के पर्सनल बात करते थे, हाँ मेरे पास भी आता था मन, मेरे पास भी कभी ख्याल आता था, फिर मैंने उसको ऐसे जीता, फिर ऐसे जीता। अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं, कभी कभी कितना बड़ा स्कोर बना लेते हैं और कभी 2 ही उसमें हार जाते। आपने देखा होगा भाई, 2 ही रन बनाए और फेल हो गया, बोलते अरे ये वाला अगर फेल हो गया अब तो फिर मैच हार ही जाएगी। तो हमेशा तो नहीं मैच जीत के आते, और जब जीत के भी आते हैं तो उनको पहनाया क्या जाता है? हार। अब हार क्यों पहनाया जाता है? वे अभी जीत के आए हो तो इतने खुश नहीं हो जाना कि हार भी डाल देते हैं तुम्हारे सामने, कि कभी कभी जीवन में हार भी सकते हो। तो हार के फिर निराश थोड़ी होना कि हम वो काम छोड़ ही दें, आगे बढ़ना ही छोड़ दें। आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, कितनी बार भी गिरेंगे फिर भी संभल जाएंगे, जल जाएं मगर आग पे चलते ही रहेंगे। ऐसे नहीं है कि आग पे चलना ही छोड़ दें। ज्ञान बड़ा मुश्किल है, मन को रोकना बड़ा मुश्किल है, इंद्रियों को वश करना बड़ा कठिन है। कठिन है पर इम्पॉसिबल तो नहीं है, के दिखाना है ना उस चीज को। पॉसिबल तो हर चीज है, गुरु करके दिखाता है।
इम्पॉसिबल को भी बोलता है, पढ़ो इसको ऐसे, आई एम पॉसिबल, आई कांट की जगह पढ़ो स्ट्रोक ऑफ टी, बट आई कैन। तो पॉजिटिव थिंकिंग करना तो दादा ने सिखाया, ऐसा नहीं कि तुम नेगेटिव थिंकिंग रखो, हमेशा चढ़ी हुई बात करनी चाहिए, गिरी हुई बात नहीं करनी चाहिए। जैसे प्राल बुद्ध है ऐसे हर एक रहता है, अगर सुखदेव की दो लंगोटी में है तो सुखदेव उसमें खुश है, पर जनक के पास महल है, तो अब जनक कहे कि सुखदेव अगर दो लंगोटी में रह सकता है तो मैं भी छोड़ के जाके जंगल में रहता हूँ, क्यों? उसके पास अगर महल है तो महल को एंजॉय करता है, महल में अपने प्रेमी बुला लेगा, सत्संग करेगा बैठ के, ऐसा थोड़ी बोलेगा कि मैं भी ना, जैसे वो रहता है कुटिया में, संत भी तो एक कुटिया में रह सकते हैं, जितना तुम्हारे लिए जरूरी है उतना रखो, ज्ञान भी ज्यादा रखेंगे तो पंडित्य आ जाएगा, होशियारी आ जाएगी, उसमें भी कुछ बनने की चाह हो जाएगी, मैं कुछ बड़ा आदमी बनूं, मैं कुछ गुरु बनूं, मेरे 10 शिष्य हों, मेरे आगे पीछे घूमे, जय गुराम भी बोलते चले। ये बोल रही थी उधर कुंभ के मेले में पैसा दे करके शिष्य खरीद रहे थे, जैसे वोट के लिए तुम पैसा दे के वोट डलवाते हैं, तो हमारी जय बोलो तो 500 रुपया देंगे तुमको, तो चेले भी खरीदते हैं तो पैसों के लिए, अपना नाम करने के लिए। ज्ञानी को तो कुछ चाहिए ही नहीं, नहीं नाम चाहिए, नहीं यश चाहिए, नहीं कीर्ति चाहिए, नहीं पैसा चाहिए, नहीं शिष्य चाहिए, नहीं कुछ उसको बनना है, ना ही ठाकुर ना ही दास, तुम जो है सो है, तुम्हारी जरूरत का जितना है तुम उतना ज्ञान उठाओ, ज्यादा ज्ञान भी तुमको पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए, मैंने ये वेद पढ़ा है, मैंने ये शास्त्र पढ़ा है, मैंने ये गीता पढ़ी है, मैंने ये ग्रंथ पढ़ा है, जरूरत क्या है? अब ये बोलती है 100 साल की उम्र होती है क्या, तो तुमको चाहिए क्या 100 साल की उम्र? बोलती नहीं चाहिए, तो फिर उसकी बात क्यों करती है? अभी दुकानदार के पास जाते हैं तो तुमको जो चीज़ चाहिए होती है तो तुम दुकानदार से वही चीज़ पूछते हैं कि ये चीज़ आपके पास है, बाकी से तो तुम्हारा मतलब नहीं उसके पास क्या क्या भरा हुआ है। हीरे जवाहरात वाले के पास पूछो तुम्हारे पास कितना गोल्ड है, तुम्हारे पास कितने हीरे हैं, बोले अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें नेकलेस चाहिए, तुम्हें अंगूठी चाहिए, तुम्हें हार चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपनी बात करो। तो जब तुम गुरु के पास भी आते हो तुम्हारी क्या नीड है, तुम अपने अंदर में आवश्यकता से अधिक कुछ भी एकत्रित मत करो, संग्रह की भावना छोड़ दो, न खाने की वस्तुओं का संग्रह करो, न कपड़ों का संग्रह करो, न पैसे का संग्रह करो, किसी भी चीज का संग्रह तुमको दुखी करेगा। खाना भी तुम उतना बनाते हैं जितनी तुम्हारे घर में आवश्यकता होती है, अगर तुम्हारे घर में 4 फुलकों की आवश्यकता है तो तुम 10 नहीं बनाएंगे, तुम उतना ही सामान लेके आते घर में जितनी तुम्हारी घर में नीड होती है। अभी तुम्हारे घर में 5 किलो आलू चाहिए तो तुम 10 बोरे ला के रखेंगे तो तुम्हारे सिर के ऊपर बोझा हो जाएगा, ये सब खराब हो रहे हैं, अभी क्या करें, अब कहाँ रखें, अब कैसे करें। तो जो भी चीज़ तुम अपने लिए आवश्यकता से अधिक रखेंगे वो तुम्हारे लिए दुखदायी हो जाएगी, इसलिए जितनी तुम्हारी आवश्यकता है उतना रख के बाकी छोड़ दो, बाकी तुम्हारे को क्या करना है? किसी का दोष देखने की तुमको आवश्यकता है, किसकी बुराई देखने की आवश्यकता है, कुछ इकट्ठा करने की जरूरत है? जो चीज तुम्हारे लिए जरूरी है वो तुमको परमात्मा दे रहा है, बचपन से लेके आज दिन तक
तुमको सब कुछ मिला है, तुमने नहीं चाहा तो भी मिला। बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसको पालना भी मिल गया, उसको खाना भी मिल गया, दूध भी मिल गया, सब सब चीज उसको प्राप्त हो गई। पल भी गया, बड़ा भी हो गया, पढ़ने लायक हुआ तो उसको स्कूल में डाल दिया, पढ़ लिख भी गया। अब तुमको चाहिए क्या? तुम अनावश्यक बातें एकत्रित करते हैं, न्यूज़ एकत्रित करते हैं, सारा दिन अखबार पढ़ते रहेंगे। अब इतनी न्यूज़ की तुमको ज़रूरत है क्या? ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी पढ़ें, ये भी पढ़ें, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है इंग्लैंड में, क्या हो रहा है अफ्रीका में, क्या हो रहा है, तुम्हारा मतलब क्या है? इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके पास कितना है, उसके पास कितना है, ये रीस तो इंसान को गिरा देती है, ईर्ष्या पैदा कर देती है। उसके पास अधिक है, मेरे पास कम है,